अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 6 दिसंबर की यौम दिफा के मौके पे स्पेशल सेगमेंट के साथ मैं आपकी होस्ट शुमाला सदफ हाजिर हूँ। पहले मैं एक ट्रिब्यूट दूंगी अपने फौजी जितने भी हमारे जवान हैं उनके लिए। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। यौम दिफा के मौके पे हम इस ट्रिब्यूट के साथ अपने फौजी तमाम जवानों को इसलिए सलाम पेश करते हैं कि आज उनकी वजह से हम यहाँ पे एक महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी फ़ौज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं 1965 की जंगों में, वो हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। हम आने वाली नस्लें उसका एहसान भी नहीं शायद उतार सकती, क्योंकि आज वो सरहद पर मौजूद हैं तो हम यहाँ सेफ़ हैं। आज उन्होंने दुश्मनों से हमें बचाया है तो हम यहाँ पर अपने घर में तहफ़ के साथ हैं। आज भी हमारे कई जवान और उनके साथ मैं उनकी माओं का सलाम कहती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की है कि वो अपने हुबुल वतनी में इस कदर महव इश्क हैं कि वो अपनी मोहब्बत के साथ साथ इस पूरी हमारी कम्युनिटी को, हमारे मुल्क को सपोर्ट करती है। और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को उनको ट्रिब्यूट करते हैं RNN टीम की जानिब से, हमारे चैनल की जानिब से। ये प्रोग्राम हम यौम दिफा में उन तमाम अपने फ़ौजी सिपाहियों को ट्रिब्यूट कर रहे हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही नामी ग्रामी हमारे बहुत ही फेमस सिंगर वहीद विक्की साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं वहीद साहब? अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। बहुत शुक्रिया सर, और आपने हमारे पास जो है अपना कीमती वक्त निकाला। आज के दिन आपके अपने कई स्केड्यूल थे जो उन्होंने कैंसिल करके हमारे लिए वक्त किया। अरे नहीं सदफ़, ये तो आपने जिस प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया है ना, आप यकीन कीजिए चाहे मैं बहुत ही एमरजेंसी काम भी होता मैं जब भी छोड़ देता, क्योंकि ये वतन के काम है और फौजियों को हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं जी सर, इनके लिए हमारी जान भी आती है। जज़ाकअल्लाह सर, मैं बहुत खुश हूँ आज वहीद विक्की साहब यहाँ पर आए। इनके सिंगिंग के चर्चे अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ गए हैं। और वहीद विक्की साहब, हम इससे पहले प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएँ, सबसे पहले हम अपने फ़ौजी जवानों के लिए एक ट्रिब्यूट चाहते हैं, और मैं चाहूँगी कि आप एक अच्छी सी परफॉर्मेंस हमारे फ़ौजी जवानों के लिए। सही है जी, एक मैंने नेशनल सॉन्ग बहुत अच्छा था मैंने फौजियों के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए बनाया, तो वो मैं आपको पेश करता हूँ पहले। श्योर सर। हर कदम बताना जो है पाकिस्तानी, जिससे ही ये मुल्क बनेगा दुनिया में लाफाना।
थैंक यू सर। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सर। ये आपने किस तरह से, किस सोचों के साथ ये नगमा जो है हमारे पाकिस्तानियों के लिए हुब्बुल वतन गाया? ये असल में मैं पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, हालांकि गेटअप मेरा इंग्लिश जैसा है, मगर लोग ये कहते हैं कि यार आपके दिल में पाकिस्तानी का इतना जज्बा। और यकीन कीजिए, मैं दुबई भी गया और लाहौर, इस्लामाबाद और सब जगह गया, जो जब मैं किसी को ये सॉन्ग सुनाता हूँ तू है पाकिस्तानी, मुझे लोग यकीन कीजिए आप कंधों पर बिठा दें, इतनी खुशी होती है उस वक्त ये करके कि बस दिल बाग बाग हो जाता है। सर अभी मैच में भी ये शरा देते तो ये तब भी बहुत ट्रिब्यूट मिलता आपको मैच में? सदा बहुत चला ये। अच्छा माशा। हाँ, ये समझ लें मेरा सॉन्ग मेरे इलाके में जिस वक्त ये मैच हो रहा था ना पाकिस्तान इंडिया का, यकीन कि जगह जगह इतनी बड़ी बड़ी एलसीडी लगी, सब मेरे से ना सॉन्ग ले लेके इजाज लेके, मैंने कहा अरे भाई आपका सॉन्ग है ये, पाकिस्तानी सॉन्ग आपका है मेरा नहीं है, और पाकिस्तानी आवाम जब जीत जाए पाकिस्तान तो मुझे मिठाई खिला के। बिल्कुल। तो आप यकीन करें सदा वो सॉन्ग जब ही चलता था ना वफा आता था बीच में, उसके बाद तो मैं जब मैच हमारा बड़ा बहुत मजे वाला मैच था, ये समझ लें कि इंडिया के हलक से मैच निकाला है, और हमारे रिजवान ये अच्छी लाइन दी है, इन्होंने इंडिया के हलक से निकाला हुआ है, काफी अच्छी लाइन क्लीन कीजिए। सर आप सिंगिंग में खुद हैं, आपकी फैमिली मेंबर से किसी से इंस्पिरेशन है या सपोर्ट है, आपकी क्या है फैमिली बैकग्राउंड अगर आपका सिंगिंग से है? जी नहीं, मैं एक्चुअली हमारे तो थोड़ा सा खानदान में बुरा समझाता है, मगर कुछ लोग हैं तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अच्छा, कुछ दफा पहले मेरे चैनल पर नाम जाता तो मसले मसाइल हो गए थे। मसले नहीं पैदा करने, आपके लिए आसानियां पैदा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे घर से बहुत सपोर्ट है और खानदान से भी सपोर्ट। आपकी फैमिली में कौन है जो सपोर्ट करता है आपको सर? फैमिली में सबसे ज्यादा जो है आपको पता है कश्ती के दो पहिए होते हैं। अच्छा, आपकी मिसेस चापक होते हैं तो जब कश्ती अच्छी चलती है तो मिसेस मेरी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करती हैं, और फिर सोने पे सोगा माशाल्लाह बेटे को। मैं ये नहीं समझ रहा था कि शायद ये भी मेरा बाजू बनेगा, मगर बाय द वे सदफ आप यकीन करें मेरा एक सॉन्ग है वो उस बच्चे ने मुझे कहा कि अब आपने नेशनल सॉन्ग बहुत गाया, बहुत अच्छा किया, अब एक सॉन्ग मेरे कहने से आप करें, तो वो बड़ा लवली सा और सुपर डुपर सॉन्ग, स्लो सॉन्ग, मेलोडी सॉन्ग, तो वो बड़ा अच्छा रहा, तो वो बच्चे की काविश थी और उसी ने एडिटिंग करी सॉन्ग के, वीडियो भी डायरेक्शन की। अच्छा मैं ये भी बताता चलूँ सदफ के साथ में मैं वीडियो डायरेक्शन भी दे देता हूँ। अच्छा, वीडियोग्राफी भी आप करते हैं? वीडियोग्राफी मेरी अपनी होती है, ड्रेसिंग मेरी अपनी होती है, बच्चा जो है उसको फिर बैठ के एडिटिंग करता है, तो वो गाना माशाल्लाह आप देखिएगा तो आप अभी कुछ ही दिन जा रहे हैं कि वो आपके सारी गलियों में चल रहा होगा। अच्छा, हर किसी की जबान पे होगा, टिकटॉक पे भी वो सॉन्ग है मेरा, मेरा दिल लेगी अजनबी इस तरह। अच्छा, आपने अपनी नए किसी एल्बम को लॉन्च किया है क्या, वीडियो सॉन्ग को लॉन्च? जी जी, ये मैंने जो अभी मेरा दिल ले गया ये मेरा बिल्कुल लेटेस्ट सॉन्ग है और मुझे इससे बहुत कवरेज मिली। अच्छा माशा, इस कवरेज के बिना पे आपके इस चैनल पे मैं दो दफा आया हूँ, पहले भी मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ के हमारे जो ऑनर है माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत जबरदस्त इंसान है, जी, तो जी, बहुत यकीन कीजिए बहुत खुश हुए। अच्छा मैं भी उनसे बड़ा खुश हुआ कि कहने लगे विक्के भाई मैं आपको दोबारा भी रहमत दूंगा, मैंने कहा सही मैं हाजिर। तो जैसे सदा आपकी कॉल आई जब आपने कहा कि फौजियों का यौम दिफा का प्रोग्राम है, तो आप यकीन करिए मैं इतना बिजी था इस वक्त, मैंने इसीलिए पहले ही आपका शुक्रिया अदा किया क्योंकि ये जो जो हमारा जो डिफेंस डे है इसमें काफी लोग खासकर आप जैसे आर्टिस्ट बहुत बिजी रहते हैं, उसमें स्केड्यूल मेंटेन करना आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी अच्छी बात है, और आपकी बात भी सच होगी कि आप दोबारा यहाँ तशरीफ लेकर आए दोबारा। हाँ देखें हमारे चेयरमैन साहब की जो बात है वो सच हो चुकी है यहाँ पे, तो ये आपके लिए बड़े अच्छी। थैंक यू चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आपको इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जाए, सब्सक्राइबर बढ़े इसके जितने भी हैं। वैसे भी माशाल्लाह आपका सदफ चैनल काफी देखा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो मैंने ये चेक किया जब मेरा वो एक प्रोग्राम डाला था, आई थिंक मैं मॉर्निंग शो में आया था, जी 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 जी, तो मैंने उसके व्यूज चेक करे माशाल्लाह बहुत व्यूज आया इस पे, यानी माशाल्लाह हमारे हमारी एंकर पर्सन भी अच्छी हैं, वो भी माशाल्लाह आपका अच्छा, एक अच्छा मैंने भी देखा था आपका, बहुत अच्छा प्रोग्राम गया था, तो ये अच्छा था, चले स्टार्ट आपका अच्छा हुआ तो आगे आपकी लग बड़ी अच्छी चली, बहुत अच्छी चली है, अल्लाह करे यहाँ से जाने के बाद फिर आपकी एक अच्छी जर्नी चले। नहीं चल रही है, और अभी 10 तारीख को मेरा ड्रीम वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है मेरा अपना। अच्छा माशाल्लाह सर, हमारे व्यूअर्स को भी बताएं ड्रीम वर्ल्ड में आए वो आपका कॉन्सर्ट जी देखें। नाज़रीन गाइस, मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ आरएन चैनल के तवज्जो से कि 10 जो तारीख है अभी कमिंग, इसको मेरा ड्रीम वर्ल्ड में बहुत बड़ा म्यूजिकल शो है उस पर मैं परफॉर्म करने आ रहा हूँ, तो आप लोग भी आइएगा,
टिकट अपने पैसों से खरीदिएगा। ये अच्छा था सर। सर आरएनएन की टीम के लिए भी कुछ होना चाहिए ना सर, आरएनएन की टीम भी आए आपको ट्रिब्यूट करे, देखे आपको। जी आरएन जो आपका चैनल है, टीवी है, चैनल है, इसके लिए खास मेरे पास एक इनविटेशन है, वो मैं जाते हुए आप लोगों को सरप्राइज देके जाऊंगा, अभी चैनल नहीं बता। चलें जज़ाकअल्लाह। अच्छा सर मुझे ये बताते हैं, वापस आते हैं सर, डिफेंस डे के हवाले से बात हो रही है, हमारी अजीम कुर्बानियों के हवाले से बात हो रही है, आप और मैं मौजूद हैं आज इस हमारे, जो यूं कह सकते हैं कि एक संगे मील की जो बुनियाद हुई है डिफेंस डे है। तो बचपन में आप कभी स्कूल वगैरह जब जाते होंगे तो डिफेंस डे में आप किस तरह से सेलिब्रेशन करते थे, क्या समझते थे, क्योंकि आज के बच्चों को ये बात बतानी बहुत जरूरी है, जरूरी है कि हमारे जो फौज है वो क्या करके, या हम यहाँ जो अपने घरों में महफूज बैठे आज कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं, 10 चीज़ें कर रहे हैं, तो वो किन की कुर्बानियों के बाद हम इतने आज़ाद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सदफ़, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि जब मैं छोटा था, आई थिंक ये जब जंग हुई मैं थोड़ा थोड़ा सा मुझे था, आप पैदा हो चुके थे, हाँ, थोड़ा था, तो मेरे जहन में अभी भी वो चीज़ है, मेरे माँ बाप ने यकीन करना इतना अच्छा मेरा घर था, डबल स्टोरी और नया हमने बनवाया था, तो मगर ये जंग का जब हुआ तो हमारे फादर और मदर ने उस घर को मिट्टी से पूरा कवर कर दिया, यानी कि उसको छुपा दिया, तो मैं रोने लगा, मैंने कहा अबू ये क्या कर रहे हैं आप, इतना अच्छा घर को आप इतना क्यों कर रहे हैं, बेटा खामोश जंग हो गई है, और मुझे अच्छी तरह याद है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स आई विटनेस थे उस दौर के? बिल्कुल बिल्कुल, और वो सीन मुझे अभी तक याद है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो एक हमारे मसेरी होती थी जिससे हम लोग सब मतलब के एक साथ होते थे, मसारियां तो पहले, जी 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 जी, तो हमारे फादर भी मदर भी हम लोगों को लेके उस पे, तो वो उन्होंने ईंटे लगा के चारों पहियों जो होते हैं उसके ब्लॉक होते हैं ना, क्या कहते हैं उसका पाए, उन पे ईंटे ऊपर करी और हम सबको उसके अंदर नीचे लिटा दिया कि यहाँ से बाहर नहीं निकलना, शोर नहीं करना, और सदफ यकीन करना एक माचिस तक नहीं जलाने की इजाजत, घूप अंधेरा हो रहा, घूप अंधेरा। अच्छा हम छोटे थे, हम डर भी रहे, मगर आज वो जब मुझे पता चला डिफेंस डे, तो यकीन करना जब मैंने सुना हमारे फौजियों के बारे में जो कारनामे इन्होंने दिए, क्या बात है जनाब। सर जिस तरह आपके पेरेंट्स ने आपको हाइड किया था, घर पे ब्लैकआउट किया था, इसी तरह हमारे जो दुश्मन कौन थी उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये रात के अंधेरे में हमला करेंगे, जी जी, और बाद में लाहौर में टारगेट बना के वहां जाके नाश्ता करेंगे फॉर अपने जश्न की आजादी बनाने के लिए, जो अल्लाह पाक के करम से और जो है हमारे फौजी जवानों की मेहनत की वजह से, उनकी स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग जो उस वक्त थी उसकी वजह से जो है वो जंग जो है कामयाब होते होते नाकाम हुई दुश्मन कौम की, दुश्मन कौम की। और हमारे फौजियों को यकीन कीजिए सलूट है, मैं खैर मैं तो सब नहीं था, मगर मेरे जो बड़े बताते हैं कि हमारे फौजी तो थे वो बम बांध के नीचे लेट गए थे, अपनी जाने दे दी, तबाह कर दिया उनको, हमने हदूद भी जाने दिया, क्या बात है जनाब। बिल्कुल सर ऐसे ही है, क्योंकि मैं इसी बात पे कहती हूँ सर, ये उन माओं के लिए बहुत बड़ा ट्रिब्यूट और सलाम है मेरा, जिन्होंने ऐसे बच्चे जवान करके वतन के लिए निछावर कर दिए। बिल्कुल, हम बच्चों को एक जरा सी चोट लग जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, उन माओं को सलाम है सर जिन्होंने अपने ऐसे जवान को नेवी में, आर्मी में, पायलट में, कहाँ नहीं, किसी हमारी जितनी भी ये अथॉरिटी है, फौजी जवान है हमारी, उधर भेजा, ना सिर्फ भेजा, उनको जंग में भेज के उनकी जानें कुर्बान हुई, शहदा बने, और आज हम उनकी वजह से, उनकी माओं की दुआओं की वजह से आज हम यहाँ पे इस तरह तहफ्फुज़ में बैठे हैं, बहुत ईजिली बैठे हैं, और वो देखें जो पहले की माएँ हैं, जो हमारी तरबियत है, यकीन कीजिए वो अब नजर नहीं आती। अब मैं अपनी मिसाल खुद दे रहा हूँ, मेरा इकलौता बेटा है, आप यकीन करें अगर जरा से उसको चोट लग जाए तो मैं घबरा जाता हूँ यार ये क्या हुआ, मगर जो पहले की माएँ थी उन्होंने भेजा जबरदस्ती के, जाओ हिफाजत करो मुल्क की, सलाम है उन, ट्रिब्यूट है उनको, माओ को, वाह जी वाह। और एक बात मैं और बताऊँ, हमारे जो कैप्टन थे फौजी, वो याद है सदर कि मेरा आई थिंक 7 मिनट में या 5 मिनट में 3 उन्होंने जहाज गिराए थे, जी सर याद है, जी जी, बहुत सलूट है उनको, वाकई बिल्कुल सर, मेरे लिए मेरी तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ से भी एक बार फिर हमारे तमाम फौजी जो हमारे जवान है उन सबको सलाम है। डिफेंस में मैं मौजूद है सर, सिंगिंग की तरफ आपकी बात करते हैं, सिंगिंग में आपने अपनी प्रायोरिटी को हुबुल वतनी की तरफ जरा ज्यादा रखा है, इस वजह से मैंने इस चीज पे बड़ी इंस्पिरेशन है, तो सर आपको क्या चीज वतन की जो है बहुत अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ये आपकी अल्फाजों में सिंगिंग में बन के बाहर आई है चीजें? असल में मैंने आपको बताया था कि मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा, और यकीन कीजिए ये तो गवाही भी जो है ना, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे जितने भी चाहने वाले व्यूअर्स हैं
सब यकीन कीजिए वो यही कहते हैं कि आपके अंदर बहुत ही अच्छी बात है कि हुबुलवतनी भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। और मेरा तो बस ये दिल चाहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए गाता रहूं, जब तक मेरी सांस है पाकिस्तान के लिए मैं गाता रहूं। सर, हमारे जो अभी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं या जो पिछले अभी दौर के लेजेंडरी के बाद जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनके हुबुलवतनी के बारे में क्या ख्याल है, जो उन्होंने सॉन्ग गाए हैं, किसी एक से आप इंस्पायर हैं ऐसे जिसका सॉन्ग आप हमें सुना सकें? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा आपने ऐसा क्वेश्चन किया और मैंने तो पूछा मेरे दिल की आवाज़ से, जुनैद जमशेद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन सर, वो मेरे भी फेवरेट हैं। जी जी, कितने अच्छे सिंगर, उनका एक सॉन्ग वो तो पूरे मुल्क में हमारे इस तरह गा रहे हैं लोग, वो सुनते हैं वाकई मजा आता है। तो सर वो सुनाना चाहेंगे हमारी? जरूर जरूर, क्यों नहीं सर। ऐसी जमी और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल। जबरदस्त सर, जुनैद जमशेद की अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो वो छोड़ के चले गए अपनी छाप, और ये हुबुलवतनी का ये ऐसा सॉन्ग उन्होंने गाया है कि आज भी बच्चों को कुछ याद ना, दिल दिल पाकिस्तान करना नहीं भूलते, दिल दिल याद है बात। अच्छा एक बात और है, हमारे एक बड़े अच्छे सिंगर हैं इफ्राइम साहब, उनका भी एक सॉन्ग नेशनल सॉन्ग बहुत ही हिट है, सुपर डुपर, और यकीन कीजिए उसको मैंने करने की कोशिश की, मैंने कहा वो सॉन्ग याद करूँ, मगर वो इसकी शायरी वायरी इतनी अच्छी है, थोड़ा सा मुझे याद हुआ था, मगर सर सुना दें कुछ भी याद आ रहा है आपको तो। आपका ट्रैफिक या कराची का इतना ज्यादा, मैं घर से सोच के आया था कि इब्राहिम भाई को बोल के भी आया था, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है इब्राहिम भाई, मेरे सॉन्ग में मेरे साथ काम भी किया उन्होंने, तो मैं बस वो रास्ते में भूल गया उनका सॉन्ग, नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको सुनाऊंगा। चलें इंशाल्लाह। सर हमारे लेजेंडरी सॉन्ग जितने भी सिंगर्स रहे वो आपकी उसमें से किससे इंस्पिरेशन ऐसी बनी है जिसके साथ आज भी कनेक्ट है आप, न्यू सिंगर में या लेजेंडरी सिंगर्स जो हमारे बड़े बड़े ना? हाँ जी, मैं बहुत ही ज्यादा जो मुतासिर हूँ, और हमारे शहंशाह गजल मेहंदी हसन साहब, क्या बात है इनकी, तो सर खान साहब का कुछ एक सुना दें सर हमें भी। जरूर क्यों नहीं, खान साहब का तो गाना बहुत मुश्किल है, सर उनके अंदाज में सिखाएंगे या अपने अंदाज में गाएंगे? कुछ उनका अंदाज, कुछ मेरा अपना अंदाज, चले हम कुछ मिक्स करके। बहुत ही ज्यादा मैं नहीं कर सकता उनको, उनका एक सॉन्ग है बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तेरे भीगे बदन की खुशबू से, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, तेरी जुल्फ को छू कर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी, तेरे भीगे बदन की खुशबू से। अच्छा ये सॉन्ग ना मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगा, इस साल हमारे यहाँ माशाल्लाह पानी पानी चारों तरफ ये सॉन्ग जब भी कहीं मैंने परफॉर्म किया तो कहते हैं भाई इतना पानी आया हुआ है हमारे कराची में, तुम और पानी पानी कर रहे हो। सर आपने उस टाइम पे काफी जो है उनको जोश दिला दिया इस तरह के सॉन्ग आने के बाद। अच्छा वहीद साहब, अगर आप सिंगर नहीं होते तो फिर क्या होते? क्या आप फौज का हिस्सा होते? बिल्कुल बिल्कुल, यकीन कीजिए फौज का हिस्सा होता और ये बाल ऐसे ना होते। बिल्कुल सर, बिल्कुल आर्मी कटिंग होती, और मैं यकीन करना मैंने कोशिश भी की थी। अच्छा, मगर मैं ट्राई पे भी गया, मैंने कुछ इनके जो रिक्वायरमेंट होती वो कोशिश, सिलेक्शन प्रोसेस जो हाँ जो उनका प्रोसेस, मगर वो बहुत हार्ड था, तो वो उसमें मैं रह गया, क्योंकि हम लोग उठने वाले सर हमारे जवान ऐसे तो नहीं बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाते, ऐसे तो नहीं बम बांध के चल जाते, वो जिगरा जो चाहिए ना सर, ये तो उनको यकीन कीजिए सलूट है। मैंने खुद ने देखा, मैं तो फिर भी बहुत अच्छा था बॉडी वॉडी में, सूखे सूखे थे लड़के यकीन कीजिए, और वो पूरी रात जाग जाग के दौड़ लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैंने कहा वाह भाई वाह। और हमें जो है, मैंने भी दो तीन उनके मक्शे जो थी वो पूरी कर ली थी, बट ये है कि मैं कामयाब नहीं हो सका, मगर दिल की ख्वाहिश थी कि मैं, अच्छी बात है आपने कवर कर लिया, क्योंकि वो पतले थे वो कर रहे आप नहीं कर पाए, कवर बड़ा अच्छा किया आपने।
मैं अपने आप को सेट भी करके चल रहा है ना। ये हिकमत अमली के साथ चलना है। अच्छा सर, आज आपकी सबसे बड़ी, आपकी जो अपने करियर में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही अब तक, आपने कौन सा बड़ा काम बहुत अच्छा किया है? सबसे अच्छा काम मेरा एक सॉन्ग मेरा दिल ले गया जनाबी इस तरह। अच्छा, ये मेरे जो मेरा मूड गाने का था उससे हटके सॉन्ग था ये। अच्छा, ये मैं क्रेडिट दूंगा अपने बेटे को, अच्छा शाहर को, मोहम्मद शाहर उसका नाम है। तो कहना अब आपने काफी सिंगिंग की होगी, सब कुछ किया, डिस्को भी किया, रॉक भी किया, पॉप भी किया, तो अब मेरे कहने से ना थोड़ा सा आप स्लो सॉन्ग करें अब मजा आएगा। तो मैंने कहा बेटा मेरी अब वोकल इस तरह की नहीं है, मेरी वोकल थोड़ी सी दूसरी टाइप की है। कहने की नहीं, कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए। बारह मेरे दोस्त बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, विक्टर नास, अच्छा जी, उन्होंने म्यूजिक बनाया। अच्छा, इन्हीं के एक भाई हैं स्टीव नास, उनकी शायरी थी, तो ये दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में थे। तो सर कंपोजिशन आप प्रेफर करते हैं कि वो फिर आपका, आपके जो बेटे हैं उनके साथ मिल के आप कंपोजिशन को मैनेज करते हैं? हाँ, फिर बेटे ने इनसे मिलवाया तो मैं गए मुलाकात की, तो स्टीव नास कहने लगे जी मेरे पास शायरी है, अगर आप इसको कर सको तो करो। तो मैंने कहा ठीक है, चेक किया, वैसे मेहनत तो लगी उसमें, मुझे तकरीबन पूरा एक महीना लगा एक गाने रिकॉर्ड करने में। अच्छा, नहीं तो जब तक बाकी जो गाने सारे वो मेरे दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो भी अच्छे हैं, इमरान साजन। अच्छा, इमरान साजन साहब के पास? जी जी, इमरान साजन सबसे पहले मैंने उन्हीं के गाने वाने बनवाए। अच्छा, वो बड़े अच्छे मतलब कंपोजर भी हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो नर्वस नहीं होते थे, बस कहते हैं आप गाओ मैं रिकॉर्ड करना। सर अब तो माशाल्लाह, आपको कितना, आपके करियर को कितने साल हो गए सिंगिंग की तरफ? तकरीबन मुझे 25-30 साल हो गए। माशाल्लाह, आपने एक अपना अच्छा खासा करियर दिया है। अच्छा खासा है मैंने। तो सर आप खुद भी कोई उस्ताद होंगे, आपके भी शागिर्द होंगे? हाँ, ये अभी जनरल ये रिसेंटली मैंने अभी कुछ दो शागिर्द हैं, बाकी वैसे तो बहुत हैं मगर जिनको मैं दिल से सिखा रहा हूँ। ओके, तो वो बच्चे हैं भी अच्छे, तो हालांकि मेरा सिखाने का मूड नहीं था क्योंकि मैं कहाँ सिखाने वाला उस्ताद बनूँ, मगर जब मैंने उनको गाइड किया सिखाया तो बच्चे कहने लगे नहीं विक्की भाई आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। तो उनको बस समझ लें कि जैसे पहली क्लास से मैंने उनको तरबियत देना शुरू की है, तो अभी वो पांचवी क्लास में आ गए। तो सर आपका बेसिकली सिंगिंग फोर्टे क्या है? आप क्लासिकल को ज्यादा प्रेफर करते हैं या जैज, आपका क्या है? मैं ज्यादातर पॉप को करता था। पॉप को करता? हाँ, पॉप मुझे इजी भी लगता है, क्लासिकल जो है वो बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है। तो काफी डांटे भी खाए हैं मैंने अपने सीनियर से ना, तो हमारे जो है ये मेहंदी हसन खान साहब, इनके इनके तो वफात के बाद फिर इनसे इनके ही के एक घराने के थे नवाब भाई, उनसे मैंने क्लास लेना शुरू की, तो बड़ा उन्होंने डांटा मुझे, बहुत बहुत वो किया, मगर शुक्र है कि थोड़ा बहुत मैंने उसको कर लिया। सो सर आपके जो शागिर्द हैं वो आपसे वैसे ही इंस्पिरेशन ले रहे हैं जैसे आप लेके आज यहाँ पे मौजूद हैं एक मुकाम पर? बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने उनको यही कहा कि देखें जिस तरह मैंने तरबियत ली है तो वैसी मैं आपको दूंगा, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत से शागिर्द क्या कहते हैं कि बस विके भाई हमें ना गाना, बस गाना गाना है, तो मैं ही कहता हूँ गाना नहीं, आप उसको पहले सीखो, पहले रियाज करो, सरगम करो, जो इसकी बेसिक है वो सीखो पहले, जब आपका गला बन जाएगा फिर आप कोई सी भी गाना। अच्छा सर, आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी प्ले करते हैं? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप कर सकते हैं? नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो मैं प्ले नहीं करता, बट ये है कि रियाज करने के लिए हारमोनियम है। अच्छा, हारमोनियम तो राग वगैरह कुछ मैंने सीखे हैं, दरबारी एमन मालकोज, तो कुछ राग हैं जिनसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ा गले का और रियाज करता हूँ। सर अभी आपसे हमारी बात हो रही थी तो आप अपने एक सॉन्ग का जिक्र कर रहे थे, शाहीन का। शाहीन का तो क्या हम वो सुने आपसे? वो शाहीन सॉन्ग क्यों गाना चाहेंगे, किसको ट्रिब्यूट करेंगे, ये आप खुद बताएं। हाँ नाज़िम, ये शाहीन सॉन्ग जो है ये मैं हमारे फौजी जवान जो जिसका आज डिफेंस डे हम यहाँ बैठे हैं उनको मैं ट्रिब्यूट करता हूँ, और ये सॉन्ग मैंने उन्हीं के लिए गाया था और वो मैं आज आपके NN चैनल से नाज़िम को सुनाना चाहता हूँ। वही विक्की साहब, हमारे तमाम शोदाए जितने भी फौजी शोदा थे उनको ये जो है ट्रिब्यूट करें। आइए वही विक्की की आवाज़ में ये सुनते हैं। उड़ानों में रहता हूँ मैं,
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा और बहुत अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ ये सॉन्ग सुना है विकी साहब आपके। मुझे ये बताएं अब तक कितनी वीडियो एल्बम्स आपके या वीडियो सॉन्ग्स आप कर चुके हैं? हाँ, मैंने तकरीबन 3 वीडियो सॉन्ग किए, जिसमें 2 नेशनल सॉन्ग पाकिस्तानी और 1 पाकिस्तानी सॉन्ग भी तैयार भी है मेरे पास। अच्छा, उसको मुझे अभी करना था 14 अगस्त को, मगर मसरूफियात ज़्यादा थी, कुछ मेरी तबीयत भी नासाज थी। तो क्या वो रिलीज हो चुकी है सॉन्ग आपकी? नहीं, अभी रिलीज नहीं हुआ, सॉन्ग तैयार है, वीडियो करेंगे इसके, जिस तरह शाहीन की और तुए पाकिस्तानी की वीडियो किए, इसी तरह वीडियो उनकी भी करूँगा, फिर उसके बाद उसको भी करेंगे इंशाल्लाह। और 2 नेशनल सॉन्ग और 1 मेरा जो मैंने बताया था मेरा दिल है क्या, वो बेटे की फरमाइश है और कुछ लोगों की फरमाइश है, कुछ लोगों ने भी कहा। वो भी हम आपसे भी जाने से ये प्रोग्राम एंडिंग से पहले जरूर सुनना चाहेंगे। सर ये बताएं आपके बच्चों में भी सिंगिंग का है या आपके आपके शरीक ही बेटा है? हाँ, एक ही बेटा है। सॉरी, आपके जो बेटे हैं उनमें भी ये चीजें हैं जो आपके अंदर है सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, सिंगिंग का तो नहीं है, हुब्बुल वतनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, हुब्बुल वतनी के हिसाब से है, और उनको बस एडिटिंग का और थोड़ा सा समझ लें कि एक्टिंग का उनको शौक है। अच्छा, तो वो जितनी भी वीडियो डायरेक्शन वगैरह होती हैं तो वो सब उन्हीं की होती हैं, बच्चे की मेरे, और एडिटिंग वगैरह खुद करते हैं, ड्रेसिंग जो मेरी होती है वो सब वही बनाते हैं बेटा मेरा। सर आपसे एक फरमाइश है, आप क्योंकि आपने हमारी बात हो रही, तो आपने मुझे बताया था आप फैमिली में जो शादियां होती हैं उसमें भी माशाल्लाह एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और आपके खानदान वाले आपका भरपूर फायदा उठाते हैं आपकी सिंगिंग के हवाले से। अरे भाई, सदा यकीन कीजिए, आप खानदान के जितने भी लोग हैं ना, बस सबको पता है कि भाई सिंगिंग में माशाल्लाह विक्के तो बहुत बढ़ चढ़ गए हैं, तो बस मैं ये सोचता हूँ कि पता चलता है ना क्या भाई फाना क्या मंगनी हो रही है, तो मेरे को समझने के बुखार होना शुरू। तो वो कहते हैं क्यों भाई, खुशी की बात है। मैंने कहा यार खानदान के इतने प्रोग्राम के थक गए कर। सर आपने रुखसती के भी गाने गाए? मैंने रुखसती नहीं, चलो बच गए। बस शौक गाने गाता हूँ ज्यादातर। बस सर कोई एक सॉन्ग ऐसा जो हमारे मिली नगमे को उजागर करता है, जो हमारे इतने मिली नगमे उसमें से कोई एक अपनी आवाज में विदाउट म्यूजिक में जरूर सुनना चाहूंगा। जरूर जरूर, कोई एक अच्छा सा ट्रिब्यूट कर दें। जुनैद जमशेद का था एक सॉन्ग, और एक सॉन्ग मैं आज यकीन कीजिए सदा आपने जो कॉल की, वैसे तो खैर अच्छी बात है कि आपने कॉल की, मगर थोड़ा सा टाइम लेके करनी चाहिए थी अचानक। अच्छा, मैं हैरान नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये सदा माशाल्लाह बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, और सबसे इनकी बस मुझे आदत भी अच्छी लगेंगे, सब कुछ अच्छी लगे, बट ये है कि मैं इनसे थोड़ा सा नाराज इसलिए रहता हूँ कि ये बहुत इमरजेंसी बुलाती हैं। सर मैं डायरेक्ट बम फाड़ती हूँ। डायरेक्ट बम फाड़ती हैं, मगर रास्ते में जो बम पड़ते हैं ना ट्रैफिक के, वो उसको हमें झेलना पड़ता है। तो सदा प्लीज़ आप थोड़ा सा 2 दिन 1 दिन पहले बताएं तो बड़ा मजा आएगा। सर बिल्कुल बताऊंगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम फिर किसी अच्छे ओकेजन में आपको इसी तरह के उसमें बुलाऊंगी। आप बच गए क्योंकि आपने कवर कर लिया अपने आप को, ये थोड़े से लिरिक्स भूल गए, तो कोई मसला नहीं है सर। लेकिन आप अपना वो सॉन्ग सुनाना चाहेंगे दिल लगी? वो तो मेरा दिल ले गया, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और इस वक्त ये समझ लें कि वो काफी जगह पे मैंने उसको रिलीज किया। सर इस सॉन्ग का मूड क्या है? स्लो सॉन्ग है, तो मैं आपको सुनाऊंगा, आप बड़ा मजा आएगा, म्यूजिक के साथ सुनिएगा आप। बिल्कुल ठीक है। Thank you.
ये गाना सुनाने का मकसद ये था, अभी ये अपने इस सॉन्ग की लॉन्चिंग भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के तवस्सुत से ये इस चीज़ को आगे प्रमोट करना चाहते थे। सर आप कुछ बताना चाहेंगे अपने इस एल्बम के लिहाज से जिसकी आप प्रमोशन में हैं? जी ज़रूर सदब, ये बहुत अच्छा चांस दिया आपने मुझे, थैंक यू सो मच। और आपका इतना अच्छा चैनल है तो आपके तवस्सुत से मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी ओबीटी देखने वाले नाज़रीन हैं सबको मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बल्कि दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं एक हम्बल दरख्वास्त है सब लोगों से कि मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और मेरे चैनल का नाम है वहीद विक्की ऑफिशियल चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्लीज़ आप लोग चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। वहीद विक्की साहब के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे टैलेंट को आगे लेकर आएँ और इनको प्रमोट करेंगे। हमारे पाकिस्तान के असासे ही हैं जो आगे जाके और मल्टीपल मुल्कों के अंदर अपना नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान को ट्रिब्यूट करेंगे। वही साहब लास्ट में हमारे डिफेंस डे के हवाले से हमारी नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी ज़रूर सदा, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। और मैं जितने भी मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं सबको मेरा एक ही मैसेज है कि जैसे हमारे ये फौजी हैं, पुराने फौजी हमारे जो हैं मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तो मैं अपने जितने भी आने वाले जो नए नौजवान फौजी हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ 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 इसको जो है और अच्छे से निभाएं और अच्छे से काम करें। और सबसे बड़ी बात एक सदफ एक बात ये भी है कि हमें जो एक हमने जो पायलट को पकड़ा था, आप हमारे पाकिस्तान की शान देखें, आन देखें कि उसको छोड़ दिया, उसको चाय पिलाई, उसको वो अभी तक जो है वो हमारा जो कैप्टन है वो याद करता है चाय को। तो वो उस फौजी को जिसने छोड़ा था चाय वाय पिला के, तो यकीन कीजिए इंडिया में वो सेलिब्रेट करता है और वो इस डे पे कप ऑफ टी डे मनाता है। माशाल्लाह, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे पाकिस्तान की जो फौज है उसका देखें आप कितना अच्छा मतलब के रवैया है कि दुश्मन को भी छोड़ दिया और गले लगा लिया, सबसे मोहब्बत कर दिया हमारी पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आवाम आपस में इसी तरह रहे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया वहीद विक्की साहब सबसे पहले, और अब क्योंकि प्रोग्राम का हम इख्तिताम कर रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें इतने सारे बिजी स्केड्यूल में हमें टाइम निकाल कर दिया और हमारे साथ हमारी टीम के साथ जो है आपने तआवुन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड में नाज़रीन आप लोगों को यही कहूँगी कि हमारे डिफेंस डे को ट्रिब्यूट करें अपने बिहेवियर से, अपनी ह्यूमनिटी से और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, अपने हमारी जितनी भी माएँ हैं अपने बच्चों की वैसी ही तरबियत करें जैसे हमारी पिछली माओं ने किया, ये मेरी दुआ है। आखिर में अपने शहदाओं के लिए एक शेर कहना चाहूँगी, शहीदान वतन के हौसले थे दीद के काबिल, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था, उन्होंने बहुत हौसले दिए, अल्लाह ऐसा सब्र ऐसा हौसला हमें भी दे, आमीन आमीन। RNN चैनल में दोबारा मौजूद होंगे नई सोच के साथ, नए टैलेंट के साथ, आपके साथ दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। दिस इज सदफ साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।